तो दोस्तों हम लोग मोर ऑर लेस सभी पीसी यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप भी यूज़ करते हैं, एंड एट द सेम टाइम हम लोगों को बहुत सॉफ्टवेयर्स की भी ज़रूरत पड़ता है। और कुछ तो सॉफ्टवेयर ऐसा हो चुका है जिनके अलावा हम लोग जी भी नहीं सकते, कंप्यूटर को इजीली यूज़ भी नहीं कर सकते, जैसे कि VLC प्लेयर। सबके कंप्यूटर में, सबके लैपटॉप में ये होता ही है, उसके साथ साथ IDM। लेकिन प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है जिनका का कैपेबिलिटी जो है लोग वो लिमिट है, या फिर अगर हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर की बात करें जैसे कि IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वो पेड है, या फिर एट द सेम टाइम और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो पेड है, जैसे कि WinRAR वो पेड है। हम लोग क्रैक करते हैं लेकिन एक्चुअली है तो वो पेड। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, जो हम लोग यहाँ पे 5 सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, उनमें से एक ही बस पेड है, उसके अलावा बाकी 4 जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल भी फ्री है, कुछ भी एडवर्ड्स भी वहाँ पर नहीं है, एंड दे आर रियली ऑसम। और जो ऐप्स के अलावा हम लोग या फिर जो सॉफ्टवेयर के अलावा हम लोग चल नहीं पाते हैं नॉर्मली डेली लाइफ में, उनको ये रिप्लेस कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और हार्डवाइजर में आपका फिर से स्वागत है, और बिना वक्त गवाए शुरू किया जाए। तो दोस्तों पहला जो सॉफ्टवेयर है वो है 7zip। अब बहुत लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत लोगों को पता नहीं भी है, ऑलमोस्ट 30% लोगों को इसके बारे में पता है, इतना तो मैं श्योर हूँ। और आपको 7zip के बारे में पता है या नहीं बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। एनीवेज, ये जो सॉफ्टवेयर है ये कम्प्लीटली एक फ्री वायर सॉफ्टवेयर है, आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कुछ भी इश्यूज नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है। और हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ये WinRAR का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है, और मैं पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं WinRAR यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि हाँ WinRAR का जो 40 डेज का या 30 डेज का ट्रायल पीरियड है, उसके बाद अगर आप पैसा ना भी दोगे अलेक्जेंडर रोशल को, फिर भी वो चलेगा, वो अच्छे से काम करेगा। लेकिन फिर भी एक ऐसा फील होता है कि पैसा देना चाहिए लेकिन हम लोग नहीं देते। तो इन दैट पर्सपेक्टिव आप 7zip यूज़ कर सकते हो, आपको पैसा भी नहीं देना होगा, आपको 7zip ये भी नहीं कहेगा कि आपका ट्रायल हो चुका है, पैसा दीजिए। तो अगर आप WinRAR की तरह परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर भी सेम मिल जाएगा, तो वाई नॉट यूज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर। एंड इसीलिए मैं खुद पर्सनल लाइफ में 7zip यूज़ करता हूँ। और अब जो मार्केट हो गया है, मैंने देखा है बहुत सारे वेबसाइट्स जब मैं गेम डाउनलोड करता हूँ या फिर कुछ भी डाउनलोड करता हूँ, तो वो लोग 7zip को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर WinRAR। तो दोस्तों इसके बाद मैं आऊँगा सेकेंड सॉफ्टवेयर में, उसका नाम है फ्री डाउनलोड मैनेजर। अब क्यों मैं इस सॉफ्टवेयर को मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया, मैं आपको पहले बताऊँ, तो मेरा एक बहुत बुरा हैबिट है कि मैं जो मूवीज़ डाउनलोड करता हूँ उनका साइज़ मोर ऑर लेस 25 से 30 GB का होता है। मैं टोरेंट को टोरेंट आई नो इट्स इलीगल बट स्टिल यूज़ टोरेंट, क्योंकि मूवीज़ का जो क्वालिटी है वो मुझे नॉर्मली नहीं मिलता है। एनीवेज, जो मूवीज़ मैं डाउनलोड करता हूँ कैशिंग के थ्रू, तो वो लगभग 25 से 30 GB का होता है 1080p में। और जब मैं डाउनलोड करता था IDM में, पेड आई डी एम, और कुछ भी क्रैक ऐसा कुछ नहीं है, तो जब मैं डाउनलोड करता था तो वो 10-15 GB हो जाता था। तो एक्चुअली IDM का इशू है कि IDM बहुत सेक्टर में बहुत एक ही 10 GB के फाइल को वो 2 GB के पाँचों सेक्टर में वो एक्चुअली डिवाइड करता है, 5 साइमल्टेनियस जो लिंक है उससे वो डाउनलोड करता है, उसके बाद उसको वो मर्ज करता है। अब क्या होता है जब 4 से 5 GB तक फाइल साइज हो तब ये उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब 20, 25, 30 GB, 40 GB, मैंने इवन 60 GB कभी मूवी डाउनलोड किया है, तो 60 GB इतना जब ज़्यादा हो जाता है डाउनलोड करने के टाइम पे, तो सारे जो भी पार्ट्स है उसको एक साथ मर्ज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभार कंप्यूटर हैंग भी होता है, और जो भी मेरा जो पीछे में कंप्यूटर है i7, ये भी पावरफुल कंप्यूटर है लेकिन ये भी हैंग होता है, स्टॉप हो जाता है, इसका परफॉर्मेंस स्लो होता है। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली IDM में। लेकिन जब मैंने FDM यूज़ करना स्टार्ट किया, FDM में ये प्रॉब्लम नहीं था। जब सपोज़ मैं FDM में कुछ भी 15 GB का फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो वो पहले से ही एक 15 GB का साइज़ एलोकेट कर देगा, और उसके अंदर धीरे धीरे फाइल जमता रहेगा, और जब बिल्कुल एंडिंग में आ जाएगा, जब 100% डाउनलोड हो जाएगा, तो आपके सामने फाइल रेडी होगा। कुछ भी पार्ट्स को मर्ज करने का ऐसा कुछ भी थ्योरी नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, FDM में ये बहुत अच्छे से होता है, मैं 40-50 GB भी डाउनलोड करता हूँ, तो नो इशूज़। तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छी बात है। और प्रतीक ने 102 GB का भी फाइल डाउनलोड किया है, एक RAR फाइल, और वो भी अच्छे से काम किया है FDM में। अब बात है दोस्तों थर्ड सॉफ्टवेयर में, जो है ड्राइवर बूस्टर। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका जो प्राइस है लगभग $23 से $24, मैं कहूँगा कम्प्लीटली वर्थ एवरी सिंगल पेनी। देखिए, आपने नॉर्मली एक लैपटॉप या फिर PC खरीदा है, और नॉर्मली क्या होता है लैपटॉप के साथ, अगर प्री इंस्टॉल विंडोज़ है, तो नॉर्मली आपको ड्राइवर्स मिलता है। PC में आपको मदरबोर्ड के साथ पेन ड्राइव या फिर डिस्क वो मिलता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा वो DVD को पास में रहना ये पॉसिबल नहीं। तो ड्राइवर बूस्टर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी लैपटॉप या फिर किसी भी PC में आप इसको चला सकते हो,
और उसका जो नेसेसरी ड्राइवर है ये वो खुद आपके लिए डाउनलोड कर लेगा, खुद इंस्टॉल कर देगा, और अगर उस ड्राइवर का कोई अपडेट भी आ जाए मार्केट में तो वो पहले आपको बता देगा। नॉर्मली यू नो लैपटॉप्स में उन कंपनी का खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हो, लेकिन ड्राइवर बूस्टर आप एक बार अगर खरीदोगे तो कुछ भी पीसी हो, कुछ भी लैपटॉप हो, जहाँ पर भी हो आप इसको चला सकते हो और ये ऑटोमेटिकली सर्च करता रहेगा। वो ग्राफिक्स कार्ड भी अगर हो तो उसका भी ड्राइवर वो ऑटोमेटिकली सर्च करता रहेगा और आपको उसका अपडेट या फिर नोटिफिकेशन वो देता रहेगा कि नया ड्राइवर आया है, आप डाउनलोड कर लीजिए। पेड है, बहुत लोगों को शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बहुत उन लोगों के लिए जो हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हो और जिनके लिए $23 डजन मीन मच, आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो। इट्स ए रियली गुड सॉफ्टवेयर और मैं खुद यूज़ करता हूँ और मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि मेरा जो डेली यू नो यूसेज या फिर डेली जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी हो चुका है इसको यूज़ करने के बाद। इसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा फोर्थ सॉफ्टवेयर में और वो है के लाइट मेगा कोडेक पैक। अब देखिए बहुत ऐसे वीडियो प्लेयर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली हम लोग VLC यूज़ करते हैं या फिर KM प्लेयर, और आपका अगर कुछ भी यू नो अलग सा यू नो चॉइस हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। MPC है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ KM प्लेयर, एट द सेम टाइम मैं 5K प्लेयर यूज़ करता हूँ, उसके बारे में थोड़ा देर में बताऊँगा। एनीवेज तो क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे वीडियो यू नो वीडियो प्लेयर्स वो सारे के सारे फाइल्स सपोर्ट नहीं करते। इसका एक रीज़न है कि बहुत सारे फाइल्स है, बहुत सारे फाइल टाइप्स है, बहुत सारे कोडेक है, जैसे कि नया कोडेक आया है H.265, मैंने देखा है VLC प्लेयर जो है वो बहुत H.265 को नहीं चला सकता है, उसका बहुत इशू होता है, और एट द सेम टाइम KM प्लेयर बहुत अच्छे से उसको चला सकता है, और H.265 इज़ द फ्यूचर। H.265 में साइज बहुत कम है लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, तो H.265 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, आई कांट लिव विदाउट इट, तो मैंने VLC से मैंने KM प्लेयर में शिफ्ट किया। लेकिन यही काम आप VLC के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपके पास के लाइट मेगा कोडेक पैक है। ये कोडेक पैक है जो आप अगर आपके PC में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करोगे तो कोई भी आपका वीडियो प्लेयर हो आप उसके थ्रू कोई भी फाइल, ऑलमोस्ट 99% फाइल आप इसके थ्रू आप चला सकते हो, और आपको यू नो जैसे मैंने किया है VLC से मैंने KM प्लेयर में शिफ्ट किया है, आपको ऐसे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट के लाइट मेगा कोडेक पैक को आप इंस्टॉल कीजिए और आपका काम हो जाएगा। VLC को प्यार करते हो और VLC के थ्रू सारे फाइल्स यू नो आप प्ले कर सकते हो। हाँ, मैंने क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि मुझे VLC का जो यू नो UI है जो भी है मैं बहुत बोर हो रहा था और मुझे कुछ नया चीज़ चाहिए, तो मैंने KM प्लेयर में मैंने शिफ्ट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आऊँगा 5K प्लेयर को लेकर, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका नाम उतना अच्छा पता नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया उसके बाद मुझे मिला, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे मिला। पहले तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, उसके बाद इसका काफ़ी यू नो बेनिफिट है, काफ़ी इसका यू नो एडवांटेजेस है, जैसे कि यहाँ पे आपको DLNA आपको इसका सपोर्ट मिल जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो उसके बारे में आपको AirPlay का सपोर्ट मिल जाएगा, तो यू नो स्ट्रीमिंग या फिर ऐसा कुछ यहाँ पे बहुत आपको एक एडवांटेज मिलता है, वीडियो डाउनलोडिंग का आपको यहाँ पर ऑप्शन है, और हाँ यहाँ पे 4K या फिर 5K तक भी, अगर 5K तक भी अगर आप कुछ भी आपके पास डिस्प्ले है 5K का LG का जो है एक्चुअली, अगर आप वो भी चलाना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर प्ले कर सकते हो इस प्लेयर के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहूँगा 5K के बारे में कि इसका जो हार्डवेयर एक्सेलरेशन या फिर ग्राफिक्स कार्ड का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। अब बस हार्डवेयर एक्सेलरेशन को ऑन कर दीजिए, ग्राफिक्स एक्सेलरेशन, और उसके बाद जो पिक्चर क्वालिटी होता है वो बहुत 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 ही बढ़िया है। VLCC को छोड़ने का ये और एक रीज़न है कि इसका जो कलर टोन है, इसका और KM प्लेयर का एक्चुअली जो कलर टोन है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हार्डवेयर एक्सेलरेशन में 5K प्लेयर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आई हैव एवर यूज्ड। तो अगर आप VLC या फिर आपका जो भी प्लेयर है, VLC हो सकता है, मैं नॉर्मली VLC लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपका कोई भी प्लेयर है जिससे आप यू नो बहुत दिन से आप यूज़ कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत चेंज की ज़रूरत है, KM प्लेयर एंड 5K प्लेयर आप इन दोनों के साथ जा सकते हो। मैं पहले कहूँगा 5K के साथ जाने के लिए, क्योंकि आपको ग्राफिक्स जो एक्सेलरेशन है वो मिलेगा और उसके बाद आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो जो यू नो इमेज क्वालिटी है, लेकिन हाँ उसके लिए आपको अच्छा बहुत ही अच्छा एक फाइल की ज़रूरत है, जिसकी मैं 20GB 25GB इवन 5-6GB में भी हो जाएगा, लेकिन वो उतना एक फाइल साइज की ज़रूरत है। उसके अलावा आप वो कलर पंचेस आप शायद फील नहीं कर पाओगे, मैं जो देखता हूँ मैं यू नो फील करता हूँ कि जब नॉर्मल एक प्लेयर से मैं ग्राफिक्स एक्सेलरेशन में आता हूँ जो कलर पंचेस है वो इनक्रेडिबल, दे आर रियली रियली इनक्रेडिबल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा था, मैं थोड़ा मेरा पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा था कि कैसे मैंने किस सॉफ्टवेयर चूज़ किया है, मुझे पता नहीं आपको कैसा लगा होगा। एनीवेज अगर आपको अच्छा लगा जान दो क्या करना होगा और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत लोग शायद यू नो क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो अच्छे से काम नहीं करता है, या फिर वो लोग सोचते हैं कि क्या लेना चाहिए या नहीं, और ये जो 5 सॉफ्टवेयर मैंने कहा है एटलीस्ट 3 तो लोगों का पर्सनल डेली ड्राइव पर है ही, तो वहाँ पर उन लोगों को डेफिनेटली हेल्प होगा। तो आपका जो भी दोस्त है जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज है कि क्या लेना चाहिए या नहीं, आप डेफिनेटली उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी मैंने इस वीडियो में।